भारतीय सिनेमा जगत में बी आर चोपड़ा को एक ऐसे फिल्मकार के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने पारिवारिक, सामाजिक और साफ सुथरी फिल्में बनाकर लगभग 5 दशक तक सिने प्रेमियों के दिल में अपनी खास पहचान बनाई। 22 अप्रैल 1914 को पंजाब के लुधियाना शहर में जन्मे बी आर चोपड़ा उर्फ बलदेव राय चोपड़ा बचपन के दिनों से ही फिल्म में काम कर शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचना चाहते थे। बी आर चोपड़ा ने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातकोत्तर की शिक्षा लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज में पूरी की। बी आर चोपड़ा ने अपने सिने करियर की शुरुआत बतौर फिल्म पत्रकार के रूप में की। फिल्मी पत्रिका सिने हैलाट में वे फिल्मों की समीक्षा लिखा करते थे। वर्ष 1949 में फिल्म करवट से उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल हो गई। वर्ष 1951 में अशोक कुमार अभिनीत फिल्म अफसाना को बी आर चोपड़ा ने निर्देशित किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी सिल्वर जुबली 25 सप्ताह पूरी की। इस फिल्म की सफलता के बाद बी आर चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। वर्ष 1955 में बी आर चोपड़ा ने बी आर फिल्म्स बैनर का निर्माण किया। बी आर फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने सबसे पहले फिल्म नया दौर का निर्माण किया। फिल्म नया दौर के माध्यम से बी आर चोपड़ा ने आधुनिक युग और ग्रामीण संस्कृति के बीच टकराव को रुपेले पर्दे पर पेश किया, जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आया। फिल्म नया दौर ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। बी आर चोपड़ा के बैनर तले निर्मित फिल्मों पर यदि एक नज़र डाली जाए तो उनकी निर्मित फिल्में समाज को संदेश देने वाली होती थी। बी आर चोपड़ा अपने दर्शकों को हर बार कुछ नया देना चाहते थे। इसी को देखते हुए वर्ष 1960 में उन्होंने कानून जैसी प्रयोगात्मक फिल्म का निर्माण किया। ये फिल्म इंडस्ट्री में एक नया प्रयोग था, जब फिल्म का निर्माण बगैर कानून के भी किया गया। कई भाई और जाने माने अभिनेता निर्देशक यश चोपड़ा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने में बी आर चोपड़ा का अहम योगदान रहा है। धूल का फूल, वक्त और इत्तेफाक जैसी फिल्मों की सफलता के बाद ही यश चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्री में निर्देशक के रूप में स्थापित हुए थे। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को कामयाबी के शिखर पर निर्माता निर्देशक बी आर चोपड़ा की फिल्मों का अहम योगदान रहा है। 50 के दशक में जब आशा भोसले को केवल बी और सी ग्रेड की फिल्मों में ही गाने का मौका मिला करता था, तब बी आर चोपड़ा ने आशा भोसले की प्रतिभा को पहचाना और अपनी फिल्म नया दौर में गाने का मौका दिया। ये फिल्म आशा भोसले के सिने करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए युगल गीत बहुत लोकप्रिय हुए, जिनमें मांग के साथ तुम्हारा, उड़ के जब जब जुल्फे तेरी गीत शामिल हैं। फिल्म नया दौर की कामयाबी के बाद ही आशा को अपना सही मुकाम हासिल हुआ। इसके बाद बी आर चोपड़ा ने आशा को अपनी कई फिल्मों में गाने का मौका दिया। इन फिल्मों में वक्त, गुमराह, हमराज, आदमी और इंसान और धुन प्रमुख हैं। आशा भोसले के अलावा पार्श्व गायक महेंद्र कपूर को भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने में बी आर चोपड़ा की अहम भूमिका रही। 80 के दशक में स्वास्थ्य खराब होने के कारण बी आर चोपड़ा ने फिल्म का निर्माण करना कुछ कम कर दिया। वर्ष 1985 में बी आर चोपड़ा के दर्शकों की नब्ज पहचानते हुए छोटे पर्दे की ओर भी रुक गया। दूरदर्शन के इतिहास में अब तक सबसे कामयाब सीरियल महाभारत के निर्माण का श्रेय भी बी आर चोपड़ा को ही जाता है। लगभग 86% दर्शकों तक पहुंचने के साथ ही इस सीरियल ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया। बी आर चोपड़ा को मिले सम्मान पर यदि नज़र डाली जाए तो फिर वर्ष 1998 में हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए गए। इसके अलावा वर्ष 1960 में प्रदर्शित फिल्म कानून के लिए वे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी बी आर चोपड़ा ने फिल्म निर्माण के अलावा बागवान और बाबुल की कहानी भी लिखी। अपनी निर्मित फिल्मों से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाले फिल्मकार बी आर चोपड़ा आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कह गए।